हेलो मुंबई प्लस न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हमारे साथ है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुंबई नॉर्थ ईस्ट के प्रेसिडेंट जनाब फैसल खान साहब। तो आइए इनसे मुलाकात करते हैं। फैसल खान साहब जी, आपका मुंबई प्लस न्यूज़ में स्वागत है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि इस लॉकडाउन में आपके पार्टी की तरफ से आपका क्या सहयोग रहा? मुंबई प्लस का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने तवज्जो दी गोवंडी शिवाजी नगर मानकुर तालुका को, क्योंकि हमारा तालुका ऐसा है जो यहाँ पे किसी की नज़र नहीं पड़ती है। सिर्फ नेगेटिविटी फैलानी हो तो गोवंडी का नाम लिया जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, कोरोना वायरस दुनिया की महामारी है ये, और गोवंडी के लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे अगर तो यहाँ लेबर क्लास के लोग ज़्यादा रहते हैं, रोज़ कमाने रोज़ खाने वाले, यानी कि आप उनको ये बोल सकते हैं कि रोज़ कुआं खोदना रोज़ कमाना, डेली वेजेस वाले लोग हैं। तो जैसे कि MIM मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से हम लोगों ने काफ़ी यहाँ लोगों को राशन बांटा है, और सबसे ज़्यादा हमने अवेयरनेस ये फैलाया है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करिए। आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले यहाँ के एक्स MP जो थे किरीट सोमैया, उन्होंने गोवंडी की एक गली को पुराने वीडियो को चलाया और ये दिखाया कि गोवंडी की औरतें ईद की शॉपिंग करने निकली है। तो मैं उनसे ये दरख्वास्त करता हूँ आपके माध्यम से कि अगर उनको गोवंडी की इतनी फिक्र थी तो उनको गोवंडी की सड़कों पर आना चाहिए था, गोवंडी की सड़कों पर आके देखना चाहिए था कि सोशल डिस्टेंसिंग है या नहीं है। आप एक AC के रूम में बैठ के आपके किसी पार्टी के कार्यकर्ता को फेक वीडियो चलाने देते हैं और उसके बाद गोवंडी को बदनाम करते हैं। तो मैं सारे आवाम सारे जनता से यही अपील करता हूँ, हमारे जो भी हिंदू भाई हैं, मुसलमान भाई हैं, दलित भाई हैं, उनसे यही अपील करना चाहता हूँ कि कोरोना जो है ये एक महामारी है, ये एक बड़ी बीमारी है, और इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा बच के रहें, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा बचें। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसा आप लोगों ने देखे, बहुत सारे लोग की कर्म भूमि मुंबई है और वो लोग यहाँ पर आते हैं कमाने खाने के लिए, और साथ ही साथ मुंबई को भी तरक्की में उनका हाथ होता है, क्योंकि मुंबई जो है ये कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया है, यानी कि 30% जो हिंदुस्तान की कमाई है वो मुंबई से मिलती है। तो हम चाहते हैं सरकार से कि सरकार जो ये श्रमिक मजदूर हैं इन पे भी ध्यान दे, और इनको ना मारे ना पीटे, इनको बाकायदा खाना दे और इनको समझाए कि सोशल मेंटेन डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन की जाती है। जी फैसल खान साहब जी, आप ही के मजलिस के मुंबई प्रेसिडेंट जनाब फैयाज़ अहमद खान साहब ने एक पहल की है 5 महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है लाइट बिल माफ़ करने की। ये कहीं ना कहीं मजदूर जो आप जैसा आपने कहा है कि डेली वेजेस वाले हैं उनके लिए इसमें बहुत सहयोग होगा, इस बारे में आपके क्या राय है? मैं सबसे पहले तो फैयाज़ अहमद खान साहब का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये सोच को आगे बढ़ाया। जैसे कि आप लोग भी जानते ही हैं कि 5 महीने का लाइट बिल माफ़ कराने के लिए सरकार से ये अपील की है फैयाज़ अहमद खान साहब ने, जो कि MIM के मुंबई अध्यक्ष है। तो मैं जानता हूँ कि आज लॉकडाउन के वजह से कितने लोग बेरोज़गार हो गए हैं, जैसे कि गरीब तबका होता है, जो गरीब तबके के लोग आज खाने के लिए राशन की लाइन लगा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप लाइट बिल कहाँ से लेंगे, कहाँ से वो भर पाएंगे लाइट बिल। तो लाइट बिल ये माफ़ होना ही चाहिए, और उद्धव ठाकरे साहब ने जैसे उनकी सरकार ने COVID-19 के लिए जो काम किया है, हम चाहते हैं कि वो हमारा जो रिक्वेस्ट है उनसे कि लाइट बिल 5 महीने के लिए माफ़ की जाए, उस पर वो तवज्जो दें और ये लाइट बिल माफ़ करें, क्योंकि अगर ये लाइट बिल माफ़ नहीं होगा तो बहुत सारे लोग जो आज परेशान हैं वो और परेशानी की तरफ चले जाएंगे। शुक्रिया फैसल खान साहब जी। तो दोस्तों ये रहे हमारे मुंबई नॉर्थ ईस्ट के मजलिस के फैसल खान साहब, और इसी बिल को लेके मैंने 5 महीने के बिल के माफ़ी को लेके हम लोगों से भी इसका रुझान पूछने की कोशिश करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। हेलो दोस्तों, हम आए हैं मुंबई के गोवंडी इलाके में, यहाँ पर वार्ड नंबर 137 के प्रेसिडेंट है जनाब सलीम साहब। तो आइए इनसे बात करते हैं। सलीम साहब, आपके मुंबई मजलिस के मुंबई अध्यक्ष फैयाज़ अहमद खान साहब ने 5 महीने का बिल माफ़ करने की सरकार से मांग की है, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो इतना बड़ा बेड़ा उन्होंने उठाया है, और अलहमदिल्ला ये बिल पास होना चाहिए, क्योंकि भाई यहाँ पर मामला ऐसे हैं कि मस्जिद मंदिर चर्च वगैरह जो भी चलते हैं पब्लिक के फाइनेंस पब्लिक के ताउन से चलते हैं, और यार ये सारी चीज़ें बंद हैं। तो आप यकीन करो इस चीज़ का कि अगर जहाँ तक अगर हम ये पैसा अगर मस्जिद में ताउन नहीं करेंगे तो मस्जिद मंदिर चर्च का बिल हम कहाँ से पास करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे आवाम का माहौल ये यहाँ पर ये है कि आवाम भूख से मर रही है, यहाँ पर खाने पीने की काफ़ी परेशानी है, तो ऐसे आलम में लोग 5 महीने का बिल कहाँ से भरेंगे। तो हम महाराष्ट्र गवर्नमेंट उद्धव ठाकरे साहब से अपील करते हैं कि इस 5 महीने के बिल को माफ़ किया जाए।
माली हालत खराब होने की वजह से लोग माली हालात बिल्कुल परेशान है लोग, काम धंधे सबके बंद है और लोग इस कदर परेशान है कि छोटे मोटे धंधे लगा करके अपने घर के हालात को संभाल रहे हैं। तो ऐसे हालात में मैं समझता हूं कि आज की तारीख में कोई ये नहीं बोल सकता कि हमारे पास बैंक बैलेंस है और हम बैंक बैलेंस की बुनियाद पर लाइट का बिल पे करेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि दोबारा मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट से अपील करूँगा कि आप इस 5 महीने के बिल को माफ कराने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साहब जी। अमीन शेख जी, मुंबई प्लस में आपका स्वागत है। मजलिस के मुंबई प्रेसिडेंट फयाज़ अहमद खान साहब ने एक पहल की है कहीं ना कहीं गरीबों के लिए कि 5 महीने का बिल माफ़ करने की मांग की है सरकार से, तो इसमें आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ उनका कि उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन चालू है, लोगों के पास पैसा खाने को नहीं है, लोग किस किस तरीके से अपने घर को चला रहे हैं। अगर उस वजह से 5 महीने का बिल आ जाता है तो हम किस तरीके से भरेंगे? हमारे पास तो खाने को पैसे नहीं है, लोग यहाँ मर रहे हैं, लोग भाग रहे हैं यहाँ से। अब इस तरीके से मसला है कि बिल है, अब वो बिल अगर दे देंगे ला करके हमारे हाथ में बिल भरो तो हम बिल कहाँ से भरेंगे, हमारे पास तो पैसे नहीं है। तो गुजारिश ये है कि मैं महाराष्ट्र सरकार से गुजारिश करता हूँ कि वो बिल को माफ़ करा दें, उनका एहसान रहे। शुक्रिया। मजलिस के मुंबई प्रेसिडेंट है फयाज़ अहमद खान साहब ने सरकार से मांग की है 5 महीने का बिल माफ करने के लिए, तो इसमें आप कुछ कहना चाहेंगे? माफ करने के लिए हम बहुत खुश हो जाएंगे माफ हो जाए। हम लोग पैसा कहाँ से लाए, सारे लोग घर में बैठे हैं, मर्द लोग रिलीफ पे आता है तो हम लोग खाते हैं, कहाँ से हम लोग बिल भरेंगे? बच्चे लोग का स्कूल आने वाला है, उन लोगों का फीस का आर्डर हो गया है, फीस भरो, कहाँ से फीस हम लोग भरें? कॉलेज का, स्कूल का, अभी 20,000 से आया है कि 2,800 भरो तहसील का, बिल्कुल आपको बोला जाएंगे 5 महीने का बिल सरकार के लिए माफ करने की मांग की जा रही है। हाँ, तब कहाँ से भरेंगे? माफ कर दो ना, हम भी ये कदम अच्छा कदम उठा रहे हैं फैयाज भाई साहब, लोगों के लिए मांग कर रहे हैं। हमारे सीएम साहब से उद्धव ठाकरे जी से मांग किया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं अच्छा कदम अच्छा है। माफ कर दे तो अच्छा है, इधर उधर से आता है, खाते पीते हैं, कहाँ पैसा कौड़ी है? जब घर में आदमी बैठे हैं, कमाएंगे नहीं तो कहाँ से खाएंगे? कहाँ से बिल भरेंगे? बिल माफ करने का हमारा कमाने वाला घर में बैठा है, कमाएंगे तो कहाँ से भरेंगे? क्या क्या काम करते हैं? गाड़ी लोका को वाला चलाते हैं, वाला चला। हाँ, अभी आपको कहना चाहेंगे? मेरा बोलने का मतलब यही है, जब लॉकडाउन 3 महीने के लिए बंद था तो बिल की बात की, बिल भी माफ होना चाहिए। तो माफ हो रहे? हाँ, माफ हो रहे थे, वो इतना काम करा दें तो हम लोग बहुत उनको दुआ देंगे। हाँ, लंबी उम्र होगी उनकी, इसलिए हम लोग अरे फैयाज कौन है बोल रहे हैं, शुक्रिया, वही करा रहे हैं ना। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा मुंबई के गोवंडी शिवाजी नगर इलाके में यहाँ पर लोगों का रुझान क्या है, जो फयाज़ अहमद खान साहब ने 5 महीने के बिल माफ़ करने की मांग की है लोगों का, उसमें पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है, लोग चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनका बिल माफ़ हो। तो इस यहाँ पर ये इलाका जो पड़ता है मुंबई के एमिश इलाके में पड़ता है, जहाँ पर ज़्यादातर झोपड़पट्टी आप देख रहे हैं, स्लम एरिया से भरा पड़ा हुआ है, यहाँ पर डेली वेजेस के लोग काम करते हैं, इस वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इनको। तो ऐसी ही न्यूज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए मुंबई प्लस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। कैमरामैन कादर हुसैन के साथ मैं शेख जलील, मुंबई प्लस।